अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरजू खान है और मैं ट्रांस कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा की प्रेसिडेंट हूँ। और नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली दफ़ा भी हमने जितने भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले से जो भी खुशी गम जो भी बात होती है हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, तो इसी तरह इस बार भी हम फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपनी कम्युनिटी के अंदर जो हमारी जिस तरह अफ्तारी होती हैं, तो फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि हमारी कम्युनिटी जो हमारी बिरादरी है ट्रांस कम्युनिटी, तो उनके अंदर उनके घरों के अंदर जो है किस तरह अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। तो इस तरह मेरी एक स्टूडेंट है जो कि बबली है, इनकी कुकिंग भी आप लोगों के साथ हमने आप लोगों के साथ चैनल पर शेयर की हुई है। तो इनके घर पर आज हम आए हुए हैं जो कि इनने बबली नाजिश ने हमें दावत दी है अपने घर पर। हम इनके घर पे आए हुए हैं और ये मेरी ख्वाजा सरा बहनें भी आई हुई हैं। इन्होंने माशाल्लाह से तरावियों में भी ख़त्म की और अपने घर में जो है कुरान पाक की भी ख़त्म की, और आज जो है दूसरे कमरे में इनके घर पे जो है सूरह यासीन की कुरान पाक की ख़त्म शुरू है, और वहाँ पर अभी वीडियो पे बना के जो है हम उस कमरे में जाएँगे और कैमरे की आँख की नज़र पर वो वीडियो भी आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे कि वहाँ पर जो है अभी कुरान पाक की ख़त्म शुरू है, तो वो भी इंशाल्लाह होगा। और इन लोगों ने हमारे लिए आज जो है दावत दी है अफ्तारी का, तो आइए जानते हैं और देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं अपने कम्युनिटी की तरफ से कि हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी अफ्तारी किस तरह करती हैं। तो बबली से नाजिश से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिश जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, खैर खैरियत है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कुरान पाक अमीन का, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस माह रमज़ान मुबारक महीने में सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करवा दिया। अपनी बहनों को जो आप ख्वाजा सरा बहनें हैं बहुत खुशी हो रही हैं, सब इकट्ठे हो चुके हैं और माशाल्लाह से अभी हम अफ्तारी करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगी, आपने क्या क्या तैयार किया है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी इंटरव्यू में कहा था कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करूंगी और मैं आप लोगों को जो है ना बिरयानी की रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो आज आप लोगों ने बिरयानी भी देखी और जो है ना आलू गोश का सालन भी देखा, साथ में हमने फ्रूट तैयार किए, चटनी तैयार की है, सलाद भी तैयार किए। और हम ये चाहते हैं कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने से हम एक साथ हो जाएँ और एक दूसरे के साथ अपने गम दुख दर्द शरीक करें और जो है ना अल्लाह ताला को याद करें। और अपनी कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम देना चाहोगी? बस मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस तरह हर रमज़ान में जो है ना रमज़ान के अलावा भी नमाज़ पढ़े, तिलावत करें, इस तरह आमीन करें घरों में, और इंशाल्लाह इससे बरकत भी आती है और आपस में इतफाक रखें। बस मैं ये कहना चाहूँगी जी। नाज़रीन, तो नाज़िश से भी आप लोगों ने बात सुनी कि वो क्या पैगाम देना चाह रही है अपनी कम्युनिटी के लिए, और ये इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो हमारी कम्युनिटी के अंदर उनके घरों में जो है जिस तरह अफ्तारी होती है। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि अफ्तारी किस तरह अफ्तारी का दस्तरखान जो है वो ख्वाजा सराओं के घरों में किस तरह हम सजाते हैं और किस तरह अफ्तारी करते हैं। तो हमारी ख्वाजा सरा और बहनें भी आई हैं, उनके शॉट भी हम लेके आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
तो मैडम आरजू खान को इजाज़त दीजिएगा और आप सब भी हमें दुआओं में याद रखिएगा और हम सब आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में, अल्लाह हाफिज़।